वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए 2084 मामले 4,64,99,658 रुपए की हुई रिकवरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा बक्सर व्यवहार न्यायालय के परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा सदन में आयोजित वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2084 मामलों का निष्पादन किया गया। इन मामलों के निष्पादन के लिए कुल 17 बेंच बनाए गए थे, जिनमें 4,64,99,658 रुपए की रिकवरी भी की गई। इसके पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर इस लोक अदालत का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि आज के लोक अदालत के माध्यम से सभी प्रकृति के वादों का काफ़ी अधिक से अधिक निस्तारण किया जा रहा है। इसमें बैंक से संबंधित मामले हैं, जो आपराधिक मामले जो समनीय प्रकृति के होते हैं, एवं बिजली विभाग से संबंधित जो बहुत से मामले हैं जिसमें लोग अनावश्यक किसी का बिल गलत बन गया है या वो अपना देने को जो तैयार हैं, पेमेंट करने को तैयार हैं, सभी लोगों का आज उसको जमा करा करके आज उन लोगों के वादों का निस्तारण कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए मामला उन लोगों का खत्म हो जाएगा। सर, कितने मामले निष्पादन करने का लक्ष्य? अब बहुत से अधिक हम लोगों का 1,500-2,000-3,000 तक मामलों का निस्तारण करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए कितना सफलता मिलती है, मतलब काफ़ी इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया गया है और सभी लोगों को मतलब नोटिस दिया गया है, उसको कई तरीके से नोटिस भेजा गया है ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ आ सकें और जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के संबंधित मामले हैं उन लोगों को भी नोटिस किया गया है। जो आपराधिक मामले हैं सुलह होने वाले हैं उस प्रकृति के हैं, उस सभी मामलों का निस्तारण किया जाता है कि आज के बाद वो मामला एकदम समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए, कोई अपील नहीं, कोई आगे का कोई परेशानी नहीं। इसलिए अधिक से अधिक हर प्रकृति के मामलों को आज निस्तारण कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए काफ़ी 3-4 महीने से मतलब प्रयास किया जा रहा है। PLB के माध्यम से भेजा गया है नोटिस, इसके अपने स्टाफ के माध्यम से भेजा गया है ताकि सभी अधिक से अधिक लोग आवें और अपने अपने मामलों का आज निस्तारण फाइनल रूप से करा लें। बिजली कंपनी के सहायक अभियंता भी लोक अदालत में पहुंचे हुए थे, उन्होंने बताया मामलों का निष्पादन 100% या 100% मामलों का निष्पादन किया जाता है। तो कितना लक्ष्य है, कितने लोगों को आज ये कर दीजिएगा, राहत दे दीजिएगा? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी प्राथमिकी दर्ज की जाती है बिजली चोरी का तो उसका निपटारा जो यहाँ किया जाता है, जिसमें जो है कि माननीय जज साहब रहते हैं, हम लोग रहते हैं, वादी रहता है, प्रतिवादी रहता है, दोनों के समक्ष जज साहब के समक्ष जो है कि पंचायत को साइन वगैरह करके उस केस का निपटारा कर दिया जाता है। वो केस जो है कि हमेशा के लिए कम्प्लीट हो जाएगा, वो केस दोबारा नहीं खुलता। लोक अदालत में जहां कई मामलों का निष्पादन किया गया, वहीं कुछ लोगों को बैंकों के रवैये से परेशानी और शिकायत भी थी। आयोजन तो बहुत सुंदर है, लोक अदालत के माध्यम से गरीब गुरबे का जो भी मामला है निष्पादन होता है, लेकिन देखने में ये आता है कि बैंक जो ज़्यादातर बैंक के लोग हैं वो इसमें कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, जिससे गरीब गुरबा लोगों को परेशानी हो रहा है। देखिए अभी हमारे बगल में खड़े हैं, इनका मामला है 1,93,000 रुपया इनका बकाया है। आज से 20 साल पहले इन्होंने 50,000 रुपये KCC कराया था और 20 साल बाद आज ये जमा करने के लिए जब नोटिस इनके यहाँ पहुँचा तो ये जमा करने के लिए आए हैं। ये कह रहे थे तो हम समझे थे कि माफ़ हो गया, सरकार ने माफ़ कर दिया, लेकिन ये जमा करने के लिए आए हैं तो इनको ये कहा जा रहा है कि 1,30,000 रुपये जमा करिए। हम ये कह रहे हैं कि आप इनसे मूलधन ले लीजिए 5-10,000 रुपये और इंटरेस्ट ले लीजिए। तो नहीं, 1,30,000 से हम कम नहीं करते, बताइए 50,000 रुपया है उसका इंटरेस्ट जोड़ के 1,30,000 रुपये लेने के लिए तैयार है, तो ये कम चीज़ है। हम ये चाहते हैं कि माननीय जज महोदय, हमारे जो लोक अदालत के अध्यक्ष हैं और सेक्रेटरी साहब हैं, हम चाहेंगे कि इस पर ध्यान दें और बैंक के जो मनमानी चल रहा है उस पर विशेष फोकस करें। मेरा नाम अश्वनी कुमार वर्मा, अधिवक्ता।